हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल अवे यूट्यूब चैनल में। और आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव डिपॉजिट करके $100 का। तो फ्रेंड्स, ऑलिमिटेड की एप्लीकेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसे ऑन कर लेते हैं। उससे पहले यार बताना चाहूँगा, बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं रिगार्डिंग सेम क्वेश्चन की, सर ऑलिमिटेड में या फिर बाइनरी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, वहाँ पे डिपॉजिट कैसे करें? हमें डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं डिपॉजिट करने के। विच ऑप्शन इज़ रिलायबल, विच ऑप्शन इज़ ट्रस्टेबल, या जहाँ से हमें विड्रॉ ईजिली मिल जाएगा, ऐसे कौन से ऑप्शन हैं? ये क्वेश्चंस मेरे से काफ़ी टाइम से मतलब कॉमन क्वेरीज हैं कुछ, और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी टाइम से पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में ना आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। बहुत ही आसान से तरीका बताने वाला हूँ यार, हम डायरेक्टली वीज़ा कार्ड से या मास्टर कार्ड से डिपॉजिट करेंगे, और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं यार आप लोगों को, कॉमन प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। जो कॉमन प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते हो ना थ्रू बैंक और थ्रू योर डेबिट कार्ड और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेरीज मेरे को इसके रिगार्डिंग भी आती हैं कि आप कहते हैं कि बैंक विड्रॉ नहीं दे रहा है, या वेरीफाई कैसे होता है ऑलिमिटेड में या आई की ऑप्शन में, हम कैसे अपने अकाउंट को वेरीफाई करें, ये सारी चीज़ें भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यार एक चीज़ उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो कर देता हूँ कि यार अगर अभी तक ना चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो। दूसरी चीज़ यार इतना बता देता हूँ, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होना तो बहुत कुछ मिस करोगे, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अभी हो जाओ टेलीग्राम पे ज्वाइन। चलिए यार गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अकाउंट है आप देख पा रहे हैं बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, एकदम फ्रेश अकाउंट है। लाइव अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है, डेमो अकाउंट में 10,000 जो आता है, आप इनिशियली इतना बैलेंस आता है जब आप स्टार्ट करते हो ऑलिमिटेड को, ठीक है। तो ये डेमो अकाउंट का बैलेंस देख रहे हो, लाइव अकाउंट का बिल्कुल ज़ीरो है, एकदम फ्रेश अकाउंट मैंने बनाया है। और आज इसी अकाउंट में हम लाइव जो है डिपॉजिट करके दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस पे क्लिक करना है। बैलेंस पे जाएंगे तो डिपॉजिट का ये एक्सेस होगा, मतलब ये थोड़ा पेज आएगा डिपॉजिट का। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, रिकमेंडेड में मेरे पास तीन ऑप्शंस आए हैं, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड जो कि एक एक ही ऑप्शन में है, दूसरा स्क्रिल या नेटल। तो हमारे पास टोटल ये तीन है। नीचे जो है मैं प्रेफर नहीं करता हूँ यार, बाकी हम जो इंडिया में, हमारे लिए तीन ही सुटेबल रहते हैं, स्क्रिल, नेटलर और वीज़ा मास्टर कार्ड, यही, ठीक है। आप यहाँ पे तीनों मेथड की बात कर लेते हैं। तो स्क्रिल से हम डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सिक्योर मेथड है, लेकिन स्क्रिल वेरीफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आपका एक परमानेंट एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, या फिर आप जहाँ पे अभी रह रहे हो उसका एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या कुछ भी। तो इस तरीके का कुछ अपलोड करोगे तो स्क्रिल वेरीफाई हो जाएगा। नेटलर भी सेम इसी तरीके से है, बट नेटलर थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लेता है आपसे, स्क्रिल भी थोड़ा ठीक ठाक चार्जेस आपसे कभी कभी पे कर लेता है। ये डिपेंड करता है आपके बैंक के एरिया के स्विफ्ट कोड पे, यानी आपका जो चेंजेस कोड होता है ना, जो आपका चेंज करता है USD टू INR, तो हर एक ब्रांच का अलग अलग होता है, जिसे स्विफ्ट कोड बोलते हैं, उसके हिसाब से आपका जो है इसके यहाँ पे डिसाइड होता है कि कितना आपको पे करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मैं अभी क्लिक करूँगा मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड पे। अब एक क्वेश्चन मेरे सामने ये भी आता है कि बहुत लोग पूछते हैं कि जब हम बोनस लेते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे $100 अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास $20 का बोनस आ रहा है, तो मेरे पास टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा $120, जबकि मैंने तो $100 ही पे करना है उन्हें। तो यार आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ हिट ज़रूर करनी चाहिए, वाई दे आर गिविंग $20 बोनस, हमें क्यों वो $20 का बोनस दे रहे हैं इन फ्री। तो हमेशा याद रखो यार, कभी भी बोनस नहीं लेना है आपको, कभी भी, कभी भी। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन पे जाओ ना, तो आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उतने पैसे से ही खेलो, बोनस लेके यार कोई फ़ायदा नहीं होता। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसमें बंदा उलझ जाता है और फिर विड्रॉ नहीं मिलता है, सिंपल सी बात ही है। तो अब $100 पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आज हम $100 ही जो है लेने वाले हैं, $100 को ही इन्वेस्ट करेंगे अभी। तो $100 पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख पा रहे हूँ कितने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट $100 है, यहाँ पे देखिए बोनसेस में आ रहा है डिपॉजिट बोनस, तो इसको मैं हटा के कर देता हूँ नो बोनस पे। हालांकि यार आप चाहो तो कर लो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से, मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं तो जितने पैसे इन्वेस्ट करूँगा उतना ही, मतलब जितना मेरे पास है मैं उतना ही इन्वेस्ट करूँगा और मुझे उतना ही मिलना चाहिए, मैं तो इस पर बिलीव करता हूँ। क्योंकि अगर वो $20 मुझे फ्री में दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनका डेफिनेटली बेनिफिट होगा, तभी वो दे रहे हैं, ये थोड़ा सा दिमाग अगर आप भी लगाएं तो। तो अब डिपॉजिट के मेथड पे करते हैं क्लिक और करते हैं आगे आगे का जो प्रोसेस है। अब ये जो देख पा रहे हैं आप,
ये जो पेज आ गया, यहाँ पे मुझे कार्ड होल्डर नेम, कार्ड डिटेल, CVV, एक्सपायरी मंथ और यहाँ पे ये डालना है। तो फ्रेंड्स ये मैं डाल लेता हूँ, थोड़ा सा पॉज करते हैं वीडियो को और ये मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो डिटेल्स है वो फिल कर दी है, जो डिटेल्स की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है। और अब पे पे क्लिक करते हैं और देखते हैं वो अगला जो इंटरफेस है क्या आता है। अगर ये पूरी प्रोसेस की मैं बात करता हूँ तो ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि भाई बहुत टाइम लगता है यहाँ पर डिपॉजिट मेथड में, या बहुत आपको जो है टाइम लगता है और आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और आता भी नहीं है विड्रॉ, कई बार ये प्रॉब्लम दे देता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे OTP आया है, OTP डाल देते हैं एक बार। जस्ट आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब भी करते हैं, तो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट पे करें, चाहे कोई इंटरनेशनल वेबसाइट पे करें, जहाँ पे आपका ज़रूरत जो पड़ती है, जहाँ पे इस तरीके की ज़रूरत पड़ती है, अगर ऐसा कुछ करते हैं आप, तो आपको वहाँ पे क्या देने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आपको OTP लेते हैं। OTP लेके जैसे ही आप वहाँ से पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो डिपॉजिट है या फिर आप जो चीज़ें खरीदते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है। दैट्स इट, इतनी ही बात है। और तो यहाँ पे कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ रॉकेट साइंस कि आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों और कैसे। अगर आप स्क्रिल यूज़ करते हो ना, तो स्क्रिल में भी इतना कोई मतलब वो नहीं है कि महा रॉकेट साइंस है। डिपॉजिट आपका बैंक अगर अलाउ करेगा ना, तो डेफिनेटली आप डिपॉजिट करोगे। अब कुछ लोग पूछेंगे कि मैं कौन सा डेबिट कार्ड अभी यूज़ किया मैंने, तो मैंने यूज़ किया है कोटक महिंद्रा का डेबिट कार्ड, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, मुझे पसंद है कोटक महिंद्रा की सर्विसेज, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बहुत ही जल्दी प्रोसेस करती हैं। तो बाकी बहुत सारे बैंक हैं, मैं किसी का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा, दे आर सो मैनी बैंक्स जो कि ऐसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं, ICICI, एक्सिस बैंक, या फिर मैं हमेशा आपको बोलूँगा कभी भी यार ना सरकारी बैंकों पे ज़्यादा बिलीव मत करो जब आप जाते हो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे। यानी दे आर सो मेनी बैंक्स लाइक SBI हो गया, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, या फिर PNB, ये जो बैंक्स हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा भी नहीं, काफ़ी टाइम काफ़ी देर में प्रोसेस करते हैं और कई बार प्रॉब्लम भी कर देते हैं आपके विड्रॉ में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गया है पेमेंट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, अब जाते हैं वापस, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अभी ये जो पेज है वो रिफ़्रेश नहीं है, इस एप्लीकेशन को बंद करके एक बार फिर से चालू करते हैं और उम्मीद करेंगे हमारा जो अमाउंट है वो डेफिनेटली हमारे जो अकाउंट है उसमें शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं जो रियल बैलेंस है वो $100 है, जैसा कि वो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि क्या करना, आप बहुत आसानी से यहाँ पे हम डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अब यहाँ पे हम लाइव ट्रेड ले सकते हैं जैसा कि हम नॉर्मली लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। वीज़ा कार्ड से हमने डिपॉजिट किया है, आप चाहें तो मास्टर कार्ड से कर सकते हैं। बैंक मैंने आपको बता दिए कौन से बैंक अच्छे रहते हैं कौन से नहीं, और जो सर्विसेज़ हैं बैंक की वो मैंने आपको बता दी हैं, मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगर आपको कोई इशू आता है डिपॉजिट से रिलेटेड, विड्रॉ की वीडियोज़ भी मैंने पहले डाल रखी है यार, विड्रॉ भी मैंने करके दिखा रखे हैं। अगर कोई सोचता है कि विड्रॉ कैसे मिलता है क्या है, तो स्क्रील के थ्रू और डेबिट कार्ड के थ्रू भी मैंने विड्रॉस के जो वीडियो हैं डाल रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यार उम्मीद करूंगा जो वीडियो है ज़रूर आपको पसंद आई होगी यार, थम ज़रूर अभी तक अप कर दिया होगा आपने, यानी लाइक ज़रूर कर दिया होगा, और उम्मीद करेंगे ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में लेके आऊँ। चलिए यार गाइज मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।